सो जो मैंने कहा इससे पहले मैंने बात की उससे उसके बारे में कि एक्टर के तौर पे बॉडी योर बॉडी बीइंग एट द सेंटर ऑफ योर क्राफ्ट। प्रॉब्लम ये हो गया कि मराठी ट्रेडिशन में हम वाणी पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि बहुत बार शरीर भी एक तरीके से कोई इमेज तैयार कर सकता है, शरीर भी बिना बोले कई सारी चीजें कन्वे कर सकता है, ये हमें बिल्कुल समझ ही नहीं। तो हमें लगता है एक्टिंग करना मतलब बोलना, वो भी जरूरी है, मैं उसके दूसरे छोर पे भी जाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो ये एक चीज की कीपिंग बॉडी एट द सेंटर ऑफ योर वर्क एंड दैट जस्ट ओपन विंडोज टू सो मेनी थिंग्स इन द क्राफ्ट एंड आर्ट ऑफ एक्टिंग। क्योंकि बहुत बार आप मन के बारे में सोचते हो, आप वाणी के बारे में सोचते हो, आप किसी तरीके से लाइन में ऐसे बोल दूं कि तालियां बज जाए उसके बारे में सोचते हो, आप कॉमिक टाइमिंग के बारे में सोचते हो, ये सब मराठी में होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, और मन मन के भी सोचते हैं कि मैं ऐसे सोचूंगा, लेकिन बहुत बार आपके मन में ही है उसका, हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट इन माई एक्टिंग, यू कैन ओनली एंड ओनली डू इट थ्रू योर बॉडी एंड दैट इज वॉट लास्ट 100 ईयर्स ऑफ एक्टिंग थियरी हैज बीन अबाउट एंड द एवोल्यूशन ऑफ एक्टिंग थियरी। आप देखते जाओ तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, इस पर भी डिबेट हो सकता है, मेरे हिसाब से ग्रोथोवस्की ने किया, जो एकदम प्रिंसिपली जिसने एकदम तोड़ा किसी चीज, वो बोलता है एक्टर की बॉडी एट द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट और आर्ट ऑफ एक्टिंग में होनी चाहिए। तो ये एक चीज मैंने सीखी। दूसरी चीज, मेरी हिंदी बड़ी सही हो गई, मेरी अंग्रेजी बड़ी सही हो गई। अब अंग्रेजी अच्छी चीज इसलिए सही हो गई कि मैं मराठी में पढ़ता था, अब वहां जाने के बाद कई सारे आपको अंग्रेजी नाटक भी पढ़ने, हिंदी नाटक भी पढ़ने, जो मेरे विच वॉजेंट अ पार्ट ऑफ माई 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 प्रैक्टिस इन थिएटर। तो हिंदी पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी मुझे, वो जो डंडिया लगती है हिंदी में वो उसका मैं आदि नहीं था, तो मैं मेरा सर दूध दर्द करने लगता था, मुझे यार ये छोड़ दो अंग्रेजी पढ़ लेते। फिर बहुत बार क्या होता है, जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कुछ कुछ नाटकों की, जो रशियन नाटक हम पढ़ते हैं बहुत सारे, उसके हिंदी ट्रांसलेशन बड़े 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 फुद्दू है, सच बता रहा हूं। मतलब ऐसे कौन बात करता है कि क्या तानिया तुम ये लाल मांस का टुकड़ा खाओगी, अरे क्या बकवास है यार, अरे ये देखो ये भाई यही गिर गए, इट जस्ट साउंड्स वेरी इंडियन, इट साउंड्स वेरी स्टूपिड। उससे थोड़ा बेहतर अंग्रेजी में पढ़ने के बाद नाटक मुझे लगा कि यार ये अंग्रेजी में पढ़ू तो थोड़ा अच्छा, उसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा तो रिटेन हो रहा है, तो उससे मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। फिर मेरी तीसरी चीज मुझे ये मिली कि मेरा गाने का गला सुधर गया, तो अभी अभी मैं हिंदी नाटक 2-3 किए मैंने, अभी अतुल कुमार जी के साथ आई किया, तो उसमें गाने बजाना पड़ा था, तो उसके पहले मैं नाटक में गाना बजाना सिर्फ एक नाटक में किया था मैंने, वो भी इतना अच्छा नहीं किया था, मैं स्टेज पे जाके गा सकता हूँ जोर जोर से बिना। और स्टेज सिंगिंग बड़ी अलग है, सिनेमा में जो आप बैकग्राउंड में गाते हैं ना उससे स्टेज सिंगिंग बड़ी अलग है। वो कैसे अलग है कि नाटक में जब आप गाना गाते हो तब आप कहानी सुना रहे हो और आप ऑल द टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन, सो दैट सॉन्ग इज डायरेक्टेड टू समवन, तो उसमें सुर थोड़े यहाँ वहां भी हो जाए। जैसे आपने देखा बड़े बड़े मजे हुए कलाकार है, जैसे अब ये नाम शायद बहुत सारे नए लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन हबीब तनवीर करके बहुत बड़े हमारे यहाँ के थिएटर डायरेक्टर थे, तो उनका जो सारा थिएटर था वो सारा वही के एकदम आदिवासी और गांव से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके करते थे, तो उनका जो सारा गाना बजाना था उनके नाटकों में एकदम एट द हार्ट ऑफ देयर वर्क था। तो उनके मैंने उनके एक्टर्स को मैंने सुना है, कोई बड़े आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर वेरी गुड एक्टर्स, बट टेक्निकली आप देखो तो उनके सुर हिलते हैं, यहां वहां हिल जाते हैं बहुत सारे फोक, लेकिन फिर भी मजा आता है। तो वो मैंने वो स्किल मुझे मिला। देन उसके बाद पांच चौथी तीन हो गए, चौथी सबसे बड़ी चीज बहुत अहम ये हुई कि बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में एक्टिंग के क्राफ्ट को लेकर, और मुझे लगता है अगर आप किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो ये जरूरी है कि आपके ऑलमोस्ट 90% ऑफ सवाल तो वहां पे उसके आपको टैंजिबल आंसर्स या आपको कुछ ऐसे नुस्खे मिलने चाहिए या आपको कुछ ट्रिक्स मिलने चाहिए, स्किल्स मिलने चाहिए, एक्सरसाइजेस मिलने चाहिए,
जो आप उसको अगर करें तो आपको उसका फायदा होना चाहिए। वैसे बहुत सारे सवाल थे जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर टीचर्स, शायद ये मेरी खामी रही होगी कि मुझे जवाब उनसे नहीं मिले, लेकिन मुझे एक टीचर से मेरे काफी सारे एक्टिंग के सवाल जो थे जो मैं जहन में लेके उस इंस्टीट्यूट में गया था उसके जवाब मिले। वो उनका नाम है आदिल हुसैन। आदिल हुसैन का नाम आपने बड़ा सुना होगा, अभी तो सिनेमा में बहुत बड़ा अच्छे अच्छे किरदार करता है वो, लेकिन उस टाइम पे तो फुल टाइम टीचिंग में थे आदिल का। तो बहुत अहम चीज आप पूछेंगे कि भैया आप एक्टिंग करने जाते हो तो पहला सवाल आपके पूछो यार डर बड़ा लगता है, जैसे आपका भी थोड़ा शुरुआत में हो वो नेचुरल है, अभी तो हम मस्ती से आराम से रिलैक्स बैठ के बातें कर रहे हैं ये कर रहे हैं, अभी तुरंत से किसी ने एक्शन बोल दिया तो कुछ हो जाता है, या ये होता है कि कोई स्टेज खुलता है और हमें पता है आज शो हाउसफुल है यार, और मान लो ऊपर से आके स्टेज कोई बहुत बड़े नसीरुद्दीन शाह साहब बैठे हैं मेरा नाटक देखने आए, डर तो लगेगा आपको। और वहीं पे आपका एक्टिंग टीचर आपको पहली चीज आके बता देगा टू एक्ट वेल यू हैव टू रिलैक्स। तो मैं पूछूंगा भाई रिलैक्स हूं कैसे, आपको अभी बात कर सकते हैं ना विस्तार। तो एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, नसीर साहब आए थे हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए, और नसीर जी आ रहे हैं, नसीर वो एंटिसिपेशन भी बड़ा होता है ना, नसीर जी आए क्लास में पहले दिन, और पहले दिन उन्होंने एक्सरसाइज दी, और एक्सरसाइज देके वो कोई करने लगा तो एकदम से चिल्लाया रिलैक्स रिलैक्स। अब भाई साहब अब टू बी फेयर आप सब बताओ, जो जो अभी अभिनेता हो या कोई अभिनेता ना भी हो, आपने नसीर साहब की पर्सनालिटी देखी है, अब उनके पर्सनालिटी का इंसान मेरे से 5 फुट दूर खड़ा होके चिल्ला रहा है रिलैक्स रिलैक्स, हाउ आई सपोज टू रिलैक्स, आई नो आई हैव टू रिलैक्स, पर मुझे ये पता चला कि हम सोचते हैं कि बहुत बार सर कहते ना कि यार तू ये ठीक कर, हाँ सर मैं आई विल कीप इट इन माइंड, तो ये सिंसियरिटी से कुछ नहीं होने वाला, आपको सही ट्रिक भी तो आनी चाहिए। हाउ डू आई रिलैक्स एवरी टाइम आई गो एंड परफॉर्म इन एनी गिवन कंडीशन, यहां थर्माकोल है जैसे आप एक्टिंग में देखा होगा, यहां थर्माकोल है, यहां मेरा कैम, और उसके 2 मिनट पहले बहुत सेंसिटिव सीन करना है, मेरा डीओपी चिल्ला रहा है लाइट इधर खिसका ये, फिर जल्द, और हमारे जैसे जो मैं तो अभी उस कैटेगरी में आ गया, मराठी में तो खैर मेरे साथ ये नहीं होता, लेकिन जब हिंदी में काम करने जाता हूँ तो ये सबका एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो कैरेक्टर एक्टर से उनका लास्ट में लगता है शॉट, और हर समय जब भी हमारा शॉट लगता है लाइट जा रही है, ये आपने सेट पे देखा यार लाइट जा रही है, तो वो एंजाइटी पे, अब ये सब में मुझे परफॉर्म करना है, तो हाउ डू आई रिलैक्स, व्हाट इज द ट्रिक, एंड दोस ट्रिक्स और दोस स्किल्स वर गिवन टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आदिल हुसैन, बिकॉज ही हैड द सिमिलर क्वेश्चंस एंड ही मेड दैट एफर्ट टू एक्चुअली गो इनटू अ लैबोरेटरी एंड रियली एक्सपेरिमेंट विद हिज ओन बॉडी, एंड उसके साथ साथ और एक्टर्स भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये ट्रिक ऑफ एक्सरसाइजेस या टिप्स या ये लाए, और मेरे ख्याल से दोज आर वेरी प्रेशियस टूल्स, सैडली दे आर अनसंग हीरोज, आई मीन दैट पार्ट ऑफ आदिल दा और दैट वर्क इज नॉट सेलिब्रेटेड इन मेनस्ट्रीम, बट इट शुड बी सेलिब्रेटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे विदेश में ग्रोदोस की सेलिब्रेट करते हैं, स्टानिस्लॉस की सेलिब्रेट करते हैं, हमें भी करना चाहिए। और पांचवी चीज मुझे ये मिली कि मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले, अब मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे हर राज्य में भारत के हर भाषा बोलने वाला, हर तबके का, हर जेंडर का, हर कास्ट का, हर विचारधारा का कम से कम एक दोस्त, और ये बड़ी बड़ी प्रेशियस चीज है, लोगों में समझ नहीं आता, और अभी जाके थोड़ा जब उम्र में बड़ा हो गया तब पता चला, क्योंकि क्या होता है लोगों का दायरा बड़ा वही छोटा रहता है, उससे आपका वर्ल्ड व्यू भी सीमित हो जाता है, वहां जाके मेरा एक रूममेट है जो मणिपुरी है, एक रूममेट है कन्नड़िगा है, एक मेरी बैचमेट है जो यूपी की बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड मुस्लिम घर से आती है, बहुत गरीब मुस्लिम घर से आती है, वो पहली लड़की है जिसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और ये किया, तो जस्ट द डिफरेंट सोशल रियलिटीज
जिसमें हमारा देश का देश के जो हमारे देशवासी है वो जीते हैं, उनकी कहानियां सुनना, उनके स्ट्रगल सुनना भी बड़ा, इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस।